हेलो दोस्तों, इस समय बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि निर्मला सीतारमण ने गरीबों के लिए अपना खजाना खोल दिया है। आप सभी जानते हैं कि भारत सहित पूरी दुनिया में कोरोना से लड़ रहे लोग, भारत में अब तक 600 मामले सामने आ चुके हैं जिसमें 14 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में लोगों को राहत देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना खजाना खोल दिया है, जिन्होंने हर वर्ग पर ध्यान रखते हुए कुछ न कुछ दिया है। उन्होंने गुरुवार को 1.7 लाख करोड़ रुपए का विशेष पैकेज ऐलान किया है। आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि क्या क्या ऐलान किया गया है और किसके लिए कितना ऐलान किया गया। सबसे पहला, जरूरतमंदों की मदद के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1.7 लाख करोड़ रुपए का घोषणा की गई है। ठीक, कोरोना वायरस के संक्रमण में लोगों को इलाज के लिए डॉक्टर, पैरामेडिकल कर्मियों, चिकित्सा सेवा कर्मियों को 50 लाख रुपए प्रति परिवार का बीमा कवर दिया गया है। 50 लाख रुपए प्रति परिवार का बीमा कवर दिया गया है। दोस्तों ध्यान से सुनिए, राशन की दुकानों से 80 करोड़ परिवारों को अतिरिक्त 5 किलो गेहूं या चावल के साथ 1 किलो दाल 3 महीने तक मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। ये भी बहुत बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 8.69 करोड़ किसानों को अप्रैल के पहले सप्ताह में ही 2,000 रुपए का अग्रिम किस्त का भुगतान कर दिया जाएगा। मनरेगा के तहत दैनिक मजदूरी 182 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपए कर दी गई है। 5 करोड़ परिवार को इसका लाभ होगा। 3 करोड़ गरीब विधवाओं और गरीब दिव्यांगों को 1,000 रुपए का अनुग्रह राशि का घोषणा की गई है। दोस्तों 20 करोड़ जनधन खाता धारकों महिलाओं को अगले 3 महीने तक प्रति माह मिलेंगे 500 रुपए। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को अगले 3 महीने तक मुफ्त मिलेगा रसोई गैस सिलेंडर। 8.3 करोड़ गरीब परिवार को होगा लाभ। 63 लाख महिलाएं स्वस्वी समूह के लिए रहन मुक्त कर्ज दोगुना कर 20 लाख रुपए किया गया। 7 करोड़ परिवार को होगा लाभ। कई कंपनियों के लिए अगले 3 महीने तक नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का भविष्य निधि योगदान जमा करेगी सरकार। कर्मचारियों को भविष्य निधि खाते से 75% जमा राशि अगले 3 महीने के वेतन में जो भी कम हो उसे निकालने की अनुमति। कुल 1.7 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का किया ऐलान। आप सभी दोस्तों ये सूचना हर दोस्तों तक फैलाए। दोस्तों एक बहुत बड़ा ऐलान है ये, 1,70,000 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज का ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किया गया ऐलान। एक